वेलकम एवरीबडी, माय नेम इज करण सिंह एंड टुडे वी विल डिस्कस कि चीन में ऐसी क्या दिक्कत आई कि चीन जो है अब अंधेरे में रहने को मजबूर है। जी हाँ, बात किया चीन की जो 10 करोड़ आबादी अंधेरे में रहने को मजबूर है क्योंकि वहाँ पे जो है लाइट की सप्लाई दिन में 5 से 6 बार तक काटी जा रही है और जिस कारण से चीन में जो रोड लाइट्स हैं या जितने भी लाइट्स के साधन हैं सभी को बंद कर रखा है। केवल 5 से 6 घंटे या पूरे दिन में लाइट दी जा रही है क्योंकि चीन में काफ़ी ज़्यादा बिजली की कटौती के कारण एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों का भी काम भी प्रभावित हुआ है। और बात किया तो चीन ने जो है काफ़ी जो प्राइवेट कंपनी होती है जैसे टेस्ला हुआ, एप्पल हुआ और काफ़ी ज़्यादा जो मॉल फोन बनाते हैं वहाँ की प्राइवेट कंपनी, उनको भी अपनी जो सप्लाई देना बंद कर रखा है क्योंकि चीन में इतना ज़्यादा भारी संकट है बिजली का, जिस कारण से जो है चीन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए बात की है तो ऐसा क्या चीन के पास दिक्कत आई कि उसके पास जो बिजली सप्लाई में अचानक से इतनी कटौती हो गई। देखिए बात की है तो अभी कोरोना के कारण जब चीन में कंपनी शुरू हुई वहाँ पे जब कार्य शुरू किया गया तो वहाँ पे उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पे बिजली की डिमांड बढ़ी तो यहाँ पे बिजली का संकट देखने को मिला। देखिए कटौती के पीछे 2 बड़े कारण बताए जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक बात के चीन में बिजली संकट के पीछे 2 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहला कोयले की कमी, चीन में इतनी ज़्यादा कोयले की कमी है। देखिए बात की चीन अपना जो 70% बिजली है वो कोयले से ही बनाता है, तो यदि कोई अपना कोई देश 70% बिजली जो है ऊर्जा अपना कोयले से बनाएगा तो उसके पास कोयले भी नहीं है क्योंकि चीन अपना ज़्यादातर कोयला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है और ऑस्ट्रेलिया से मंगाना कोयला उसने पिछले 6 महीने से बंद कर रखा है। तो उसके पास जितना कोयला है या जितना कोयला वह प्रोड्यूस करता है, जितना कोयला वह अपने आप से ही उत्पन्न करता है उसी कोयले से अभी बिजली बना रहा है क्योंकि चीन ने जो है ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेना बंद कर रखा था। क्योंकि इससे पहले जब आपको पता होगा कोरोना फैला था तो ऑस्ट्रेलिया ने खुले तौर पर कहा था, उसने चीन को दोषी ठहराया था कि जो कोरोना फैला है चीन के कारण फैला है, इस कारण से चीन और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है उसमें काफ़ी ज़्यादा खराबी देखने को मिली, इस कारण से ऑस्ट्रेलिया ने चीन को कोयला देना बंद कर दिया क्योंकि मोस्टली वो वहीं से अपना कोयला मंगाते थे और उसी से बिजली बनाते थे। अब कोयले में कमी देखने के कारण वहाँ पे जो इतना लाइट का दिक्कत हो रहा है। और दूसरा देखिए इसके पीछे कारण ये भी है कि जब चीन बिजली संकट के पीछे, एक तो मैंने आपको बताया वाला कारण ये है कि वहाँ पे जो कोयला की कमी है, और शी जिनपिंग ने 2060 तक यूनाइटेड स्टेट में ये यूएन में ये अपना वादा कर दिया था कि हम 2060 तक कार्बन मुक्त देश बना देंगे और उन्होंने कहा था कि हम 2060 तक कार्बन का उत्सर्जन 0 कर देंगे, हम जो कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं किया करेंगे तो 2060 तक, लेकिन उसने कहा था कि हम आने वाले 3 साल में 2% कमी अभी करके दिखा देंगे। लेकिन इसी कारण से जो है यदि किसी देश को 2% कम कार्बन उत्सर्जन करना है तो उसको अभी से प्रयास करने होंगे और इसी कारण से जो है चीन अब फंस चुका है क्योंकि यदि वो चीन से यूनाइटेड स्टेट को किया हुआ वादा तोड़ता है तो उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है और यदि बिजली नहीं बनाता तो उसकी इंडस्ट्री खतरे में पड़ सकते हैं। तो ये भारत के लिए भी इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है कि भारत में त्योहारों का सीज़न आने वाला है, हमारा दिवाली आने वाला है और दिवाली पर जो है काफ़ी ज़्यादा सामान चीन से ही हम मंगाते हैं क्योंकि हमारे जो है हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी की कमी है कि हम सामान यहाँ पे नहीं बना सकते, वहीं से बनाते हैं और भारत में भी इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए बात की है तो चीन आज भी 70% जो है बिजली कोयले से बनाता है, कोयले का प्रोडक्शन कम होने के कारण इसकी कीमतों में भी बढ़ी हुई है, इसका सीधा असर यहाँ के कोयले आधारित पावर प्लांट पर पड़ा है। बिजली की कीमतों पर भी सरकारी नियंत्रण है, सरकारी बिजली की कीमत नहीं बढ़ा रही जिसकी वजह से पावर प्लांट भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बात के चीन के जो 4 प्रांत हैं वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से ब्लैकआउट हो गया, वहाँ पे जो चीन ने बिजली का सप्लाई बंद कर दिया है, चीन ब्लैकआउट का असर बात की है। देख एक चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स, उसने कहा है कि चीन के जो 4 प्रांत हैं वहाँ पे ज़्यादा बिजली काटी जा रही है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है, वहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा हैं और चीन का ये संकट न केवल चीन के लिए ही घातक है बल्कि पूरे विश्व के लिए, क्योंकि चीन अपना ज़्यादातर विश्व को सप्लाई करता है, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सामान है उन्हीं को सप्लाई करता है, इस कारण से सब पूरी चेन गड़बड़ हो चुकी है। देखिए बात की है जो एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनी है ये अपना आधा प्रोडक्शन जो है ताइवान में करते हैं और ताइवान के बाद अपना जो फाइनल प्रोडक्ट वहीं पर तैयार होता है चीन में, वहाँ पर इस कारण से ताइवान की 6 से अधिक कंपनी बंद हो चुकी है क्योंकि चीन के पास जो अब डिमांड नहीं रही उन जो है प्रोडक्ट की जो ताइवान बनाता था। अब ताइवान को भी इसका ज़्यादा परेशानी झेलने को मिल रही है और आने वाले समय में भारत भी इससे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है।